आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग के बारे में। व्याकरण में लिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिंग का अर्थ होता है पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। लिंग के दो प्रकार है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे पुत्र, मोर, पानी, ये क्या हुए? ये हुए पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके उदाहरण है लड़की, कुर्सी, चीनी और बहुत सारे जो ऐसे चीज़ों के नाम या ऐसे व्यक्तियों के नाम जो हमें स्त्रीलिंग होते है ऐसा बताते हैं। हम लिंग की व्याख्या फिर से पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुत्र, मोर, पानी और अन्य। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, कुर्सी, चीनी और बहुत से ऐसी चीज़ें जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बच्चों, हमने आज व्याकरण का एक पाठ पूर्ण किया है। इसके बाद आपको मैं जो कुछ भी होमवर्क दूंगी उसमें आपको लिखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के 5-5 शब्द। शुक्रिया।